नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। कूनो में चीता तेजस की मौत, गर्दन पर थे चोट के निशान। फ्रांस हर साल 20,000 भारतीयों को देगा स्टूडेंट वीजा, यह संख्या दुगनी। बारिश बाढ़, हिमाचल में 3 दिन में 23 मौतें। गंगोत्री में पहाड़ धसा। देवास भोपाल के 3 लोगों की मौत, कई फंसे। सीधी कांड पर सदन में हंगामा, कार्रवाई स्थगित। नाथ ने कहा स्थगन स्वीकार नहीं किया। नरोत्तम बोले जो राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं क्या चर्चा करेंगे। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 के शव मिले। 46 लाख सुझाव यूसीसी पर विधि आयोग को मिले। बंगाल में गांव में ममता की टीएमसी को बढ़त, दूसरे स्थान पर भाजपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 को ग्वालियर आएगी। ईडी के निदेशक का तीसरा कार्यकाल विस्तार अवैध, 21 तक पद छोड़े कोर्ट। चीन में महिला के टॉप के अंदर मिले जिंदा सांप। ज्योति मोर से रिश्ते के आरोपी होमगार्ड कमांडेंट मनीष को सस्पेंड किया जाएगा। न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी के मालिकों पर केस चलेगा। यूक्रेन हमले के विरोध में रूस छोड़ने का वादा करके भूल गई कई कंपनियां। जैन संत की हत्या के मामले में भाजपा ने 2 जांच दल बनाए। सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 22 माह की जेल, 12 बेत मारने का आदेश। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, 3 लोग गिरफ्तार, बकरी कुचले जाने से नाराज थे। ऐसे ही बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।